आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की सभा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्हें चुनाव को लेकर उनके अंदर में जो है मंत्र दिया, उन्हें चुनावी मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमें विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है, किस तरह से चुनाव में फतह हासिल करनी है, इसको लेकर उन्होंने चुनावी मंत्र दिया। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने जो मंच से 10-9 गारंटी दिए और 10वीं जो गारंटी थी उसको उन्होंने कहा कि वो जब छत्तीसगढ़ में तीसरी बार आएंगे तो वो 10वीं गारंटी की भी ऐलान करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो 9 गारंटी दी उनमें सबसे अहम गारंटी जो थी वो शिक्षा को लेकर उन्होंने जाके फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगी, सभी को जो है फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। और उन्होंने जो है एजुकेशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया कि प्रदेश भर में जगह जगह जो है स्कूल, सरकारी स्कूल को अपडेट करेंगे, सरकारी स्कूल में बेहतर एजुकेशन देने के लिए उसकी नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक जो सबसे बड़ा अहम ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में फ्री में बिजली दी जाएगी। जब आम आदमी पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ में जो बिजली है वो फ्री होगी और इसके लिए जनता को किसी प्रकार से, और इसके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ में नवंबर तक के जिनका बिजली बिल बकाया है उनके बिजली बिल भी आम आदमी पार्टी की सरकार यदि छत्तीसगढ़ में बनेगी तो नवंबर तक का बिजली बिल भी उसे माफ़ कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरह से फतह हासिल करती है और अपने ऐलानों को क्या वो धरातल पर पूरा कर पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।